दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बट इसका आंसर देना बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल भाषा में आप किसी को समझा सकते हैं कि आप फेल क्यों कर गए, या कोई खुद एनालिसिस कर सकता है कि मैं फेल क्यों कर गया। आज का जो हम समय देख रहे हैं और जिन जिन चीज़ों से आज हम घिरे पड़े हैं, आई थिंक कि उसकी मेन वजह यही है कि हम एक कंसिस्टेंसी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते। हम चाहते तो बहुत हैं, सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं कि ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये रूटीन बना लूँगा, ये प्रोसेस फॉलो कर लूँगा, यहाँ से नोट्स पढ़ लूँगा, 10 तरीके की किताब पढ़ लूँगा, और जब इतनी सारी चीज़ें कर लूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस मिल ही जाएगा, कोई ना कोई नौकरी मुझे मिल ही जाएगी। बट क्या ऐसा हो पाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सक्सेस अचीव करना है, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, यू नीड टू फॉलो सर्टन रूल्स, यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन सर्टन आस्पेक्ट्स। और वो रूल और वो पैटर्न और वो एक टाइम टेबल आपको रोज फॉलो करना है। एवरी डे यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस, एवरी डे यू हैव टू यू नो डू द थिंग्स इन द सेम वे। ये नहीं कि दो चार दिन किया, 10 दिन किया और उसके बाद जो है फिर अरे यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, लेट्स स्विच ऑन टू समथिंग एल्स। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे दिक्कत होती है। हमारे अंदर जो है अब वो पेशेंस नहीं रह गया है कि एक ही चीज़ को हम बार 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 करते रहें। हम कुछ ना कुछ नया चाहते हैं, कुछ नए तरीके से चाहते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आपको समझना होगा कि आप अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने मेरे ख्याल से ये सुना ही होगा, करत करत अभ्यास थे जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल्पे परत निशान। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जब बार बार कोशिश करेंगे, बार बार किसी चीज़ को एक पैटर्न में, एक टाइम टेबल में, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपने आप को दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बचा करके, अपने जो आपकी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको छोड़ करके, बिल्कुल कंसंट्रेट हो करके अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपके लाइफ में सक्सेस या अचीवमेंट मिले ही ना। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वैसा ना मिले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सक्सेस और अचीवमेंट तो जरूर मिलेगा, और यही आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। एक बार अगर आपको सक्सेस का टेस्ट आ गया तो आप और भी करेज के साथ नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे, और आप जान चुके हैं कि मैंने किस तरीके से ये सक्सेस अचीव किया है, आप उस चीज़ को और रिग्रेसली फॉलो करेंगे। नोबडी इज़ अ डम एस, हर एक कोई अपने आप में ब्रिलियंट होता है, लेकिन उस ब्रिलियंसी को कैसे बाहर निकालना है, किस तरीके से उसका यूटिलाइज करना है, उसको जानना जरूरी है। वो कहते हैं ना, पद्धति, रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रक्शंस, बाइंडिंग्स। नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, लड़की से दोस्ती भी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत भी कर रहे हैं, हुकअप भी कर रहे हैं, दुनिया की जितनी उजूल फजूल की चीज़ें हैं वो भी आप साथ साथ में लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? अगर आपको वाकई में किसी चीज़ को पाना है तो उसी तरफ फोकस कीजिए, या तो आप अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती जितनी करनी है वो कर लीजिए, क्योंकि आपके करियर बनाने का टाइम और मैक्सिमम मौज मस्ती का टाइम जो है वो एक ही होता है। तो उस समय में आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में कहाँ फोकस करना है, जो आपकी एक्सट्रीम डिजायर्स है, जो डिज़ायर आपके करियर के तरफ नहीं आपको लेके जाती है, जिसको आप बाद में भी हासिल कर सकते हैं, जिसका टेस्ट आप बाद में भी ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए अभी से क्यों इतना तड़पना, या उसको पाने के लिए क्यों जो है अपने करियर को ख़राब करना। तो आज के जनरेशन को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप कीजिए। नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन अ वन नाइट, यू नीड टू कंटिन्यूसली वर्क, और अपना सारा कंफर्ट छोड़ के। आपको सुबह में जल्दी उठना पड़ रहा है, अरे खाने को सही से नहीं मिल रहा है, पीने को सही से नहीं मिल रहा है, अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें करके आप खुद को जस्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कीप अवे फ्रॉम योर गैजेट्स, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखिए, दूर रखिए, टैबलेट्स, आपका जो लैपटॉप है उससे दूर रहिए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर गोल, आपका जो गोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए।
आपका गोल एक बार अचीव हो गया, आपका टारगेट जो था वो हिट हो गया, देन यू कैन एंजॉय इट ऑल। ये सारी चीजें कहीं भागी नहीं जा रही है, लेकिन आप देख लीजिए कि इसके चक्कर में आप जो है जितना समय नष्ट कर रहे हैं वो आपका टाइम जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम 10 तरीके की किताब ले आते हैं और किताबों के बीच में हम बैठ जाते हैं, चारों तरफ से किताब हो जाता है, उसी को देख के फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, मल्टीपल चीजों से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहां से, थोड़ा इससे ले लिया, थोड़ा उससे ले लिया, अरे ये नोट्स पढ़ लिया, वो नोट्स पढ़ लिया, इससे जो है आपका केवल और केवल माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा कि अरे इसने तो ऐसा कहा था, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा लिखा हुआ है, तो आप खुद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में सही चीज है क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इनसे भी बचना चाहिए। आप खुद के अंदर इतना विल पावर रखिए और खुद को इतना करेजियस बनाइए कि मुझे करना है तो करना है। देखिए, सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा, सोच केवल सोच है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। आप जो कीजिएगा वही रियलिटी बनेगा और वही रियलिटी है। आपको यहां पे कोई समझाने भी नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद में इतने समझदार हैं, भला आपको क्या कोई समझाएगा, और कोई समझाने भी आएगा तो आप उल्टा उसको समझा के भेज दीजिएगा। तो केवल सोच सोच करके आप अपने समय को नष्ट मत कीजिए। गेट ऑन टू द एक्चुअल वर्क, जो आपको करना है उसमें खुद को इंगेज कीजिए, और वो भी पेशेंसली। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, करने का साहस नहीं होगा, आपके खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मुझे एक ही रूटीन रोज फॉलो करना है और मुझे अपने सक्सेस को अचीव करना है, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तब तक आप डिस्ट्रैक्टेड ही रहिएगा, तब तक आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहिएगा, और मे भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाएं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा, हम स्टिक नहीं रहते अपने एक प्लान पे, हमारे प्लान स्विच करते रहते हैं, हम पेंडुलम की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर झूलते रहते हैं। हताश और निराश अपनी जिंदगी में होने का मतलब है कि यू आर नॉट वेल फोकस्ड, यू आर नॉट डूइंग व्हाट इज नीडेड, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन योर सेल्फ, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूटीन्स, एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड विद दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड।